गाइस गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का ऐसे पहले वाले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला और ट्रिग्नोमेट्री का जो कुछ 8.1 जो एक्सरसाइज था एनसीईआरटी का वो सॉल्व करके बताए थे। जो आप लोग जो लोग सब्सक्राइब किए होंगे तो वो लोग तो वीडियो को देखे होंगे, और जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए तो वो लोग इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वो जाके उस लिंक में टच करके जितना भी वीडियो है उसमें देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला कैसे हम बताए हैं और जितना भी क्वेश्चन वो सॉल्व किए हैं तो वो सब देख सकते हैं। अब उसी के बाद वो क्वेश्चन नंबर उस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक बताए थे, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमको इस वीडियो में हम पार्ट 2 जिस है उसमें हम आप लोग को बताएंगे। तो देखिएगा गौर से इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 आपका एनसीईआरटी का 8.1 ये है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या पहले वो देखिएगा। एंगल ए एंड एंगल बी आता है एक्यूट एंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ठीक है, उसमें एंगल ए एंड एंगल बी आता है एक्यूट एंगल है ठीक है। उसमें से आपको गिवन क्या दिया हुआ है ना, कॉस बी कॉस ए इक्वल टू कॉस बी आपको दिया हुआ है, और प्रूफ करने बोल रहा है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये आपको प्रूफ करने बोल रहा है। तो सबसे पहले देखिएगा जब हम आपका गिवन में क्या दिया हुआ है, एक तो पहला गिवन में आपको एक्यूट एंगल दिया हुआ है, और दूसरा गिवन है आपका कॉस ए जो बहुत इंपॉर्टेंट गिवन है ठीक है, इसी से आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है ठीक है। तो मतलब देखिएगा जब आप यहाँ पे आपको पहले से पहले वाले वीडियो में बताए थे कि जब आपका थीटा यहाँ पे बैठता है तो थीटा जहाँ पे बैठता है तो उसके एडजेसेंट साइड में बोलता हूँ वो परपेंडिकुलर शो करने लगता है। मतलब क्या, अगर ये परपेंडिकुलर यहाँ पे शो कर रहा है कॉस ए के मामले में तो ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा और ये बीस बेस हो जाएगा ठीक है। तब कॉस ए का फॉर्मूला देखिएगा, कॉस ए का क्या होता है बी बाई एच होता है ठीक है। तो यहाँ पे आपका बेस क्या शो कर रहा है, ए सी शो कर रहा है, और हाइपोटेनियस आपका क्या शो करेगा, ए बी शो करेगा ठीक है। अब आपको देखिएगा गौर से कि यहाँ पे कॉस क्या है बी है ठीक है। तब कॉस बी जो है वो आपका क्या करेगा, कॉस बी इस पर थीटा कहाँ है, इस पर थीटा यहाँ पे नहीं होके इस पर थीटा आपका यहाँ पे होगा। अगर थीटा यहाँ पे होगा तो आपका देखिएगा हाइपोटेनियस तो चेंज नहीं होता लेकिन थीटा यहाँ पे होता है ना, तो इस पर बेस ये शो करने लगेगा और परपेंडिकुलर ये शो करने लगेगा ठीक है। जब परपेंडिकुलर ये शो करने लगेगा तो इस पर फिर कॉस बी का थीटा यहाँ पे हो रहा है तो बेस यहाँ पे ले लेंगे, बी बाई एच इसका भी एक ही होगा लेकिन इस पर क्या होगा बेस बी सी और ये ए बी हो जाएगा। तो आप देखिएगा आपको पहले से गिवन दिया हुआ है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, तो जब आपको दिया हुआ है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी ठीक है, आपका जो ये जो साइड है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी इक्वल हो जाएगा। तो कॉस ए सी बाई ए बी इक्वल टू बी सी बाई ए बी ठीक है। तो आपको ये देख रहे ये आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये आ रहा है, तो आप यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन करिए कि जो ऑब्जर्व क्या करिएगा यहाँ इस इक्वेशन से ऑब्जर्व करिएगा तो आप देखिएगा ये जो है आपका इक्वल आ रहा है, क्या इक्वल आ रहा है ए बी बाई ए सी आपका क्या, ये जो ए बी बाई ए सी क्या आ रहा है आपका इक्वल आ रहा है। जब ए बी बाई ए सी आपका इक्वल आ रहा है तो यहाँ से आप क्या करिए, यहाँ पे ए बी बाई ए सी इक्वल आ रहा है, तो अब जब ए बी बाई ए सी इक्वल आ रहा है तो अब यहाँ से जो थीटा जो होता है वो आपका एंगल जो एंगल ट्रायंगल चैप्टर में आप 9th क्लास में ही पढ़ेंगे तो उससे क्या होता है एंगल बी इक्वल टू एंगल ए हो जाता है, और यही हम लोग को प्रूफ करना था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो बहुत इजी तरीका से सॉल्व हो गया है, तो आप लोग इसको देखिएगा अच्छा से समझिएगा। और जो इसके बाद क्या बोलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसी तरीका का क्वेश्चन नंबर 5 है 4 है, थोड़ा सा अलग है उसमें निकालने के लिए दिया गया था तो उसको हम पहले वाले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी का ही है। तो जो चलिए आगे देखते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 दिया हुआ है और इसमें आपको ये निकालना है 1 sin θ (1 - sin θ) / 1 cos θ (1 - cos θ). आपको सबसे पहले यहाँ पे कॉट थीटा दिया हुआ है तो कॉट थीटा यहाँ पे सबसे पहले आपको उसका वैल्यू निकालना है, वो जो दो वैल्यू आपका दिया हुआ है ठीक है। तो इसको हम ए बी सी आप मान लेते हैं और यहाँ पे आपका 90° एंगल है तभी आपका ये होगा, और ये आपका कॉट थीटा है तो यहाँ पे हम लोग एक का वैल्यू मान लेते हैं। तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है आपका पता होना चाहिए, जितना भी फॉर्मूला आप लोग को नहीं याद है तो फॉर्मूला आप लोग मेरे पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं, उसका लिंक जो है आपको इसी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो कॉट थीटा इक्वल टू आपका होता है बी बाई पी होता है ठीक है। तो यहाँ पे बेस होता है तो बेस आपका क्या होता है, बेस यहाँ पे हो जाएगा तो बेस क्या आपका 7 और परपेंडिकुलर क्या है आपका 8 हो जाएगा। तो आपको एसी फाइंड करना है तो आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आप यहाँ से एसी फाइंड कर सकते हैं। तो एसी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कर सकते हैं ठीक है। तो एसी हमको फाइंड करना है तो एसी का स्क्वायर यहाँ पे रहने देते हैं, ए बी का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 49
अब प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, ठीक है। 8 का 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64। आप इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और ये 16 8 11 113 इसी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये 113 हो जाएगा एसी का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट रूट, यहाँ पे अगर यह स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका साइन थीटा का वैल्यू, यहाँ पे साइन और कॉस पे सब चीज दिया हुआ है, तो एक बार क्या करते हैं ना, हम साइन या कॉस को यहाँ पे पुट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उस चीज को यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, तो साइन थीटा का क्या होता है, पी बाई एच होता है। ठीक है, पी बाई एच होता है, तो यहाँ पे आपका पी क्या निकला है, पी तो पहले से दिया हुआ 8 है और बेस दिया हुआ 7 और ये जो है आपका रूट 113 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको पी बाई एच होता है, परपेंडिकुलर क्या है आपका, ए बी है, ए बी बाई ए सी हाइपोटेन्यूस होगा, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है आपका 8 हो जाएगा और ये ए सी 113 हो जाएगा। उसी तरीका का कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, बी बाई एच होता है और यहाँ पे बेस क्या है आपका, बी सी है और हाइपोटेनियस होता है, तो यहाँ पे एसी हो जाएगा, तो बीसी क्या आपका 7/√113 है। ठीक है, अभी क्या है ना, इसी चीज को आप साइन थीटा का वैल्यू उसमें पुट करके भी निकाल सकते हैं। तो देखिए आपको आगे बताते हैं कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। तब देख रहे हैं यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी है, तो एक बहुत इजी फॉर्मूला हम लोग पहले बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं 6-7 से, कि ए प्लस बी और ए माइनस बी का एक फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, जिसको हम लोग इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बस हम लोग को इसी फॉर्मूला में ये जितने भी इसको पुट कर देना, तो आपका फर्स्ट निकल जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिएगा हम इसी फॉर्मूला में इसको वैल्यू को पुट करेंगे और आपका देखिएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तब यहाँ पे 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेगा तो 1 ही आएगा और साइन स्क्वायर आया, साइन का आपका क्या है, साइन का वैल्यू आया था आपका 8√113, तो यहाँ पे 8√113 का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस, अभी आपका कॉस थीटा का वैल्यू आया था 7/√113। ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 1 ये आपका स्क्वायर करिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका जैसे करिएगा तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 64 और ये आपका हो जाएगा 113 का, ये जो स्क्वायर यहाँ से रूट हट जाएगा तो 113 आ जाएगा बाई, ये आपका यहाँ पे 100 जैसे उसी तरीका में यहाँ पे भी हो जाएगा, सॉरी जैसे यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर होता है 49 √113 का, तो यहाँ पे रूट हट जाएगा तो 113 हो जाएगा। तब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, तो आपका क्या होगा, कट जाएगा। चलिए देखते हैं, हाँ तो इसके बाद आपका यहाँ पे वीडियो इस तरफ है। ठीक है, तो ये आपका सबसे पहले एलसीएम ले लीजिएगा, अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा 113 यहाँ पे एलसीएम लेंगे माइनस 64 बाई 113, यहाँ पे पूरा पूरे एलसीएम लेंगे 113 माइनस 49। ठीक है, तो आपको ये इक्वल करेगा तो ये क्या हो जाएगा, 113 से 113 कट जाएगा, तो आपको ऊपर में क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा 9, 3 से ये माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा और ये आपका 6, तो यहाँ पे क्या बचेगा 10 बचेगा, 10 से 6 गया तो 49 हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम लेंगे इसके पास आपके बचेगा 30, 13 से 9 गया तो क्या हो जाएगा 4 और ये आपका 10 पर गया तो 64। तो ये आपका क्या निकल गया, ये हम लोग का निकल गया, इसका फॉर्मूला जो था वो निकल गया आपका 49/64। और इसी में एक और क्वेश्चन है, कॉट स्क्वायर थीटा, इसी में एक और
सेकंड क्वेश्चन भी दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो उसको हम आप लोग को बताते हैं। पहले इतना तो आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद ही आपका जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा आपसे पूछा है, ठीक है। हाँ तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा से पूछता है। तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो आपको इसी चीज को स्क्वायर थीटा को ही आप ये भी लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 7/8, ठीक है 7/8 दिया हुआ है। यहाँ पे 7/8 का स्क्वायर कर दीजिए तो 7/7 = 49 हो जाएगा और 8/8 = 64 जो आपका आंसर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 पूरा तरीका से सॉल्व हो गया है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, इफ 3 cot theta a is equal to 4 और चेक वेदर इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो इस वैल्यू को उसमें पुट करके ये दोनों को इक्वल है या नहीं वो हम लोग को निकालना है। तो देखिएगा गौर से, सबसे पहले आपको 3 cot theta a है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होगा, ये 3 cot theta यहाँ से इसके साथ क्या मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे cot theta a इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। और cot theta का वैल्यू ये आपका क्या होता है, cot theta का फॉर्मूला क्या होता है आपका, cot theta का फॉर्मूला होता है b/p, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा आपका 3। तो सबसे पहले एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या बेस आपका क्या हो जाएगा 4 और परपेंडिकुलर हो जाएगा 3। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम a b c, तो पाइथागोरस थ्योरम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा ए बी स्क्वायर करना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, तो बाय हो जाएगा 25, मतलब 25 आपका निकल गया। तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5, क्योंकि 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है। तो ये आपका फाइंड हो गया 5, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे देखिएगा इस सब का क्वेश्चन में ये फॉर्मूला को ब्रेक करने के लिए ना सबसे पहले हम क्या करिए ना, ये सब को वैल्यू खुद से पुट रख लीजिए, कुछ बना लीजिए, उसके बाद इस पर पुट कर देना है। देखिएगा इसको वैल्यू कैसे हम लोग पुट करते हैं, तो यहाँ पे आपका 3 टर्म दिया हुआ, देखिए साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और टैन। तो काम करते हैं ना, साइन का हम लोग वैल्यू पहले पुट कर लेते हैं, साइन ए इक्वल टू क्या होता है आपका पी बाई एच, कॉस ए इक्वल टू होता है बी बाई एच, और टैन का फॉर्मूला होता है, टैन का फॉर्मूला, ये सब जितना भी फॉर्मूला है आप लोग को याद करना बहुत जरूरी है, बी बाई पी बाई बी होता है, ठीक है। तो आपका साइन क्या होता है पी बाई एच होता है, तो परपेंडिकुलर क्या है आपका 3 है, 3/5 हो गया। कॉस क्या होता है बी बाई एच, बी 4/5 हो गया, और ये होता है आपका टैन थीटा जो होता है पी बाई बी होता है, मतलब परपेंडिकुलर बाई फेस, तो 3/4 हो गया। अब इसी चीज को हम इस वैल्यू में पुट करेंगे, तो देखिएगा कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले एक को LHS मान लेते हैं और एक को RHS मान लेते हैं, तो हम लोग LHS को सॉल्व करते हैं। पहले 1 माइनस टैन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर ए है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या कर सकते हैं, तो 1 माइनस टैन का क्या है वैल्यू आपका 3/4 का स्क्वायर बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर तो 3/4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको मान लो आगे सॉल्व करेंगे तो आपको ये हो जाएगा, ये एलसीएम लीजिएगा तो 1 माइनस 9/16 बाय 1 प्लस 9/16 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको पूरा करेगा तो ये आपका 16 माइनस 9 बाय 16 प्लस 9 हो जाएगा, तो ये 16 यहां से क्या होता है कट जाता है, ठीक है। तब 16 माइनस 9 आएगा और 16 प्लस 9 आएगा, तो
तो ये दोनों को सॉल्व करना है, तो ये आपका आ जाएगा 16 से अगर माइनस 9 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 9 माइनस करें तो ये आपका हो जाएगा 6, 6 7 हो जाएगा, और ये आप अगर ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 16 से अगर करेंगे तो आपका 25 हो जाएगा, ठीक है 7/25 आ रहा है, ठीक है। तब 7/25 आपको 25 को में क्या करेंगे आपका tan का वैल्यू आ गया 7/25। अब हम लोग cos स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर का भी इसमें पुट करके देखेंगे कि 7/25 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग इसको वैल्यू पुट करके देखते हैं, आपका cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, ये आपका LHS था, ठीक है। तो cos स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, cos का वैल्यू होता है b बाई एच, तो डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग पुट कर लेते उतना कोई दिक्कत नहीं है, 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन क्या है आपका 3/5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा 4 का स्क्वायर कितना होता है 16/25 माइनस 3 का 9/25, तो आप करिएगा तो यहाँ पर LCM आएगा 25 और 16 माइनस 9 क्या होता है 7 होता है। तो देखिएगा ये आपका RHS भी जो है और ये LHS जो हम लोग सॉल्व किए तो दोनों क्या आ रहा है आपका बराबर आ रहा है, तो हाँ ये दोनों क्या है इक्वल है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे पूछा था आपसे LHS इक्वल टू RHS है या नहीं, तो है, ठीक है। तो ये आपका 8 नंबर क्वेश्चन भी क्या हो गया सॉल्व हो गया है, इतना ही क्वेश्चन देगा। और ये क्वेश्चन एक तरीका से कहिए तो 2 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है। तो बाकी आप लोग इस जो वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व किए हैं और जितना बाकी जो क्वेश्चन है आपका 9 10th जो है और 11th वो हमको वीडियो इसके बाद वाले पार्ट में पार्ट नंबर 3 में जो है सब वीडियो आपको सॉल्व क्वेश्चन है जो सॉल्व करेंगे वो वीडियो जल्दी आएगा आपका, जो आएगा हम आप लोगों को तुरंत इन्फॉर्म भी कर देंगे उसके बाद। और ये वीडियो में आपको जैसे भी हम 3 या 4 क्वेश्चन बताए तो कैसा आपको लगा सॉल्व करिए, और इससे पहले वाले वीडियो पार्ट जो 1 है उसमें आपको पूरा फॉर्मूला ये सब सॉल्व किए हुए, तो उसको भी देखिए इसको भी देखिए। और आप लोग जिनको भी समझ नहीं आ रहा है तो वो कमेंट बॉक्स में हम लोग को बताइए कि क्या समझ में नहीं आ रहा है, और बताइए कि कुछ कोई क्वेश्चन है जो आप लोगों को भी इंपॉर्टेंट लगता है जो आप लोग से नहीं बन रहा तो उसको कमेंट में सेक्शन में वो दिखाइए, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे उसमें भी हम लोग काम करेंगे और वो भी आप लोगों को वीडियो बना के हम लोग दिखा देंगे कि कैसे ये सब क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलिए थैंक यू।